इसके अलावा वाइस चैंपियन सूर्य कुमार यादव की मैं आपको न्यूज दे दूं, इनके कोच ने बोला है कि ये फुली फिट है और इस मैच में खेल सकते हैं। 100% तो नहीं है बट फिर भी अवेलेबिलिटी है, तो सूर्य कुमार यादव काफी बढ़िया पिक इस मैच में होंगे। हे गाइस, कैसे आप लोग, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो नेक्स्ट आईपीएल का मैच खेला जाएगा, बट उससे पहले आप कॉन्टेस्ट सवाल सुन लीजिए। इस वीडियो का जो कॉन्टेस्ट सवाल है जिससे आपको मिलेगा 100 रुपीज पेटीएम कैश उन 10 लोगों का जो इसका करेक्ट आंसर देंगे। फ्री में क्या मिलता है? एक्चुअली बहुत कुछ मेरे दोस्त। फैन टू प्ले पे पहले 4 गेम्स खेलो बिल्कुल फ्री। बस फैन टू प्ले ऐप डाउनलोड करो और खेलो आईपीएल 2022 सिर्फ फैन टू प्ले पर। आपको सबसे पहले बताना है कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी, ठीक है? मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा, दोनों के आंसर आपको एक ही कमेंट में देने हैं, ठीक है? जल्दी से पहले सुन लीजिए उसके बाद कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताना है कौन सी टीम विन करेगी और मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा। दोनों आंसर जिसके करेक्ट होंगे, जो पहले 10 आंसर आएंगे उनको मिलेगा 100 रुपए पेटीएम कैश। फिर से सुन लीजिए कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो को, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले मैच डिटेल्स की। तो देखिए, मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स का मैच है और खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई में। डे टू टाइम की बात करें तो 2 अप्रैल को ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो देखिए, ये जो वेन्यू है यहां पे बैटिंग अच्छी होती है। हालांकि मैं आपको अभी बता दूंगा कि बैटिंग जो होती है उसमें कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीवाई पाटिल में। मैं आपको पुराने मैचेस ही दिखाऊंगा, उसके बेसिस पे ही बात करूंगा। प्लेयर बैटल देख लेते हैं सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो प्लेयर बैटल में देखिए, आर अश्विन और रोहित शर्मा के बीच में एक प्लेयर बैटल है, जिसमें आर अश्विन ने रोहित शर्मा के रन तो काफी रोके बट विकेट ज्यादा नहीं ले पाए। 118 गेंदों में सिर्फ 2 बार विकेट ले पाए हैं। इसके अलावा वाइस चैंपियन सूर्य कुमार यादव की मैं आपको न्यूज़ दे दूं, इनके कोच ने बोला है कि ये फुली फिट हैं और इस मैच में खेल सकते हैं। 100% तो नहीं है बट फिर भी अवेलेबिलिटी है, तो सूर्य कुमार यादव काफी बढ़िया पिक इस मैच में होंगे। आर अश्विन के खिलाफ तो सूर्य कुमार यादव ने काफी पिटाई करी है अश्विन की, बट चहल के सामने देखिए 2 बार विकेट दिया है। आर अश्विन अगर सूर्य कुमार यादव के सामने आएंगे, सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा, चहल आएंगे तो थोड़े से रन रोक सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, आर अश्विन ने पोलार्ड के काफी विकेट लिए, हालांकि पोलार्ड ने पिटाई भी काफी करी है। चहल ने भी देखिए पुलाड़ के काफी विकेट लिए हैं, बट चहल ने 4 बार विकेटें भी पुलाड़ की निकाली हैं। इसके बाद चहल ने रोहित शर्मा की 1 बार विकेट ली है, डिसेंट परफॉर्मेंस रहा, और यहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने सूर्या की 1 बार विकेट लिया है। चहल ने ईशान किशन की 3 बार विकेटें ली है, बट चहल की पिटाई भी जो है ईशान किशन ने लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से करी है। इसके बाद नीचे आपको एक और प्लेयर बैटल देखने को मिलेगा, रोहित शर्मा वर्सेस नेथन कुल्टरनायल, जिसमें 14 गेंदों में 15 रन दिए रोहित शर्मा को नेथन कुल्टरनायल ने, बट 2 बार विकेट भी निकाली है। बोल्ट ने भी शर्मा की 1 बार विकेट निकाली है, और ये तो आपको पता होगा कि रोहित शर्मा की वीकनेस होती है ट्रेंट बोल्ट के सामने। ट्रेंट बोल्ट जो है वो लेफ्ट आर्म पेसर है और रोहित शर्मा कभी कभी फंसते हैं इनके सामने, तो कप्तानी वाइस कप्तानी देने से पहले ये चीज का सोच लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के बैटर्स और मुंबई के बॉलर्स की, जिसमें आपको कुछ प्लेयर बैटल देखने को मिलेंगे। जैसे संजू सैमसन के सामने जसप्रीत बुमराह ने 45 बॉले कराकर 2 बार विकेट निकाली, और इसके अलावा पोलार्ड ने सैमसन का 1 बार विकेट निकाला बट काफी रन खाए। इसके बाद आर्चर ने बटलर का निकाला बट बटलर ने आर्चर की काफी पिटाई करी। आर्चर का जो है आज बर्थडे है बट वो इस मैच को नहीं खेलेंगे। इसके बाद देखिए, पोलार्ड ने वी दसन के खिलाफ बॉलिंग ठीक ठाक कर 1 विकेट निकाला। दसन भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान की तरफ से काफी प्रैक्टिस करते हुए देखे गए, मे बी पॉसिबल टीम इनको इंट्रोड्यूस कर दे इस मैच में। तो ये कुछ प्लेयर बैटल थे, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद फैंटेसी टिप्स की बात करते हैं, तो देखिए इस सीजन जो मैचेस वगैरह खेले उसमें प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लास्ट मैचेस एट दिस वेन्यू की, तो देखिए इस सीजन 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। एक कोलकाता आरसीबी का आपने मैच देखा था जो इस वेन्यू पे खेला गया था, और एक आरसीबी पंजाब का आपने मैच देखा था जो इस वेन्यू पे खेला गया था। पंजाब आरसीबी वाला मैच बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग था, 205 के आसपास की स्कोरिंग हुई थी, बट लास्ट मैच थोड़ा सा जो था आप कह सकते हैं कि बहुत बैटिंग फ्रेंडली नहीं था। 128 पे कोलकाता के पूरे विकेट गिर गए थे, और उसको आरसीबी ने देखिए 132 बना के चेस भी कर लिया था। तो बैटिंग विकेट तो है, पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखें तो देखिए मैचेस तो बहुत पहले यहां पे हुए थे, बट 2 मैचेस से अगर आप अंदाजा लगाएं तो एक आपको रेंज मिल जाएगी 160 के आसपास की। तो बहुत बैटिंग फ्रेंडली भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैच भी नहीं होगा। टॉस कंडीशंस मैटर करेंगी, टॉस पे मैं आपको बता दूंगा कौन सी पिच यूज हो रही है, कितना स्कोर एक्सपेक्ट रहेगा। तो टॉस इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों मैचेस में देखिए जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ और सिर्फ टॉस पे हमें पता पड़ेगा कि ये वेन्यू पे रन बनने वाले हैं आज के नहीं बनने वाले हैं। तो आप उसके लिए हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे स्टैट बता दिए जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो आप यहां पे देख सकते हैं, टीमों के परफॉर्मेंस, और हेड टू हेड स्टैट भी यहां पे आप देख सकते हैं। हेड टू हेड में देखिए 26 मैचेस आपस में इन दोनों टीमों ने खेले हैं, 14 मुंबई जीती और 12 राजस्थान जीती है। बैटिंग फर्स्ट
करते हो, मुंबई ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते, देखिए राजस्थान 2 जीती, वहीं एमआई 8 जीती है। और अगर आप चेजिंग की बात करें तो चेजिंग में आरआर थोड़ा सा बेटर करती है, लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों में भी मुंबई आगे रही है 3 मैचों से और राजस्थान ने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। तो यहां पे कह सकते हैं 60-40 का परसेंटेज बनता है इन दोनों टीमों का। इसके अलावा रीसेंट फॉर्म की बात करें तो इन टीमों ने कौन कौन से मैचेस खेले वो आपके सामने है रीसेंट टाइम में, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कुछ 2022 के भी मैचेस हैं, यहां पे 2021 लिखा हुआ है, ये मार्च वाला जो मैच है, एक एक मैच इसको 2022 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट मैचेस की, और लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस जो इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए। तो देखिए आखिरी 3 मैचेस में आप परफॉर्मेंस यहां पे देख सकते हैं जो इन टीमों की रही है। आखिरी देखिए 5 अक्टूबर 2021 को इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, जिसमें राजस्थान की स्कोरिंग काफी ज्यादा कम हुई थी, 90 पे 9 विकेट्स हो गए थे और मुंबई ने उसको आराम से चेस कर लिया था 94 रन पे, 8 विकेट से मुंबई उस मैच को जीती थी। उसके पहले 2021 में एक और मैच था, वो भी मुंबई जीती थी, 171 बनाया था राजस्थान ने, उसको आराम से चेस करा था मुंबई इंडियंस ने। तो मुंबई इंडियंस यहां पे फेवरेट रहेगी क्योंकि पिछले साल मुंबई इंडियंस ने ही दोनों मैचेस जीते आरआर एमआई के बीच में जो भी हुए। इसके बाद हम बात करते हैं टीम हिस्ट्री की, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा विनिंग परसेंटेज राजस्थान रॉयल्स का 49 होता है और मुंबई इंडियंस का 57% होता है। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे आईपीएल की तो यहां पे सक्सेस रेट जो है वो मुंबई इंडियंस की ज्यादा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो इनकी प्लेइंग 11 में आपको जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए देखेंगे जयसवाल के साथ, नंबर 3 पे सैमसन और नंबर 4 पे पडेकल आएंगे। रीसेंट फॉर्म अगर आप बटलर का देखें तो आखिरी 3 मैचेस से बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज इनके चलते आ रहे हैं और उसके पहले भी 171 लगाया, तो T20 में तो बटलर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है और ओपन करेंगे तो इंपॉर्टेंट होंगे। जयसवाल की वही हम बात करें तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फॉर्म से, हेड टू हेड में एक बार अच्छा करा है, वही हेड टू हेड में देखिए आखिरी 3 मैचेस में एक बार तो बैटिंग नहीं आई बटलर की मुंबई के खिलाफ, बट 2 बार आई तो 41 और 70 लगाया, ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर संजू सैमसन की भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रहेगी, आखिरी मैच में ही 55 लगाया और अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट 3 मैचेस में देखिए 2 बार परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही है, तो संजू की भी आप काफी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एक तो विकेट कीपर है उसके पॉइंट देंगे प्लस बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। फिर आते हैं पडेकल, पडेकल ने आखिरी टाइम 41 लगाया अपनी टीम के लिए और अपोजिशन टीम मुंबई के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में देखिए यहां पे एक बार 0, उसके पहले 74 54, यानी इस प्लेयर में भी काफी पोटेंशियल है परफॉर्मेंस देने का। तो ये यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जॉस बटलर, संजू सैमसन और देवदत्त पडेकल ये 3 काफी स्ट्रांग प्लेयर है जो मुंबई के सामने भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जयसवाल से उतनी उम्मीदें मत रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम नंबर 5 पे, कौन सा प्लेयर आएगा, वो आएगा शिमरन हेतमायर जिसका एवरेज 25 का चलता है, रीसेंट फॉर्म देखे तो बहुत बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे T20 में बट हेड टू हेड इनका उतना ही खराब है। फिर आते हैं रियान पराग जिनसे टीम थोड़ी बहुत बॉलिंग भी एक्सपेक्ट कर लेती है और बैटिंग में इनको एज अ हिटर यूज कर रही है, रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो इतना खास फॉर्म नहीं है, आखिरी 3 मैचेस में मुंबई के खिलाफ एक बार ही परफॉर्मेंस किया है। फिर आते हैं नेथन कुल्टरनाइल जो टीम को अच्छा बैटिंग बैकअप दे सकते हैं और गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, 3 से 4 ओवर इनसे एक्सपेक्ट रहेंगे, डेथ ओवर्स के पास भी कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, रीसेंट फॉर्म देखें तो आखिरी 2 T20 मैचेस से उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, अपोजिशन टीम के खिलाफ हर बार 1 विकेट तो निकाला ही इन्होंने। फिर आते हैं आर अश्विन, रीसेंट फॉर्म देखें तो आखिरी मैच में 4 ओवर करके भी विकेट लेस गए थे और अपोजिशन टीम के खिलाफ भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं और प्लस की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहां पे आ जाते हैं युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा, जिसमें अभी डेथ बॉलिंग कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा, नेथन कुल्टरनाइल का भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है बट प्रॉपर डेथ गेंदबाजी मेरे हिसाब से बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा से ही करवाई जाएगी। रीसेंट फॉर्म बोल्ट का बहुत अच्छा है, आखिरी 4 T20 मैचेस से हर बार कम से कम 2-2 विकेट निकाल के दिए हैं। वही हम प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो इनका फॉर्म भी काफी बढ़िया चल रहा है और दोनों ही प्लेयर्स का देखिए हेड टू हेड बहुत शानदार है, जिसकी वजह से आपको इनको लेना ही पड़ेगा और इवन ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन फर्स्ट बॉलिंग में कर दीजिएगा। चहल का फॉर्म देखें तो अपोजिशन टीम के खिलाफ टोटल 3 मैच में 5 विकेट इनके नाम पे, हालांकि बीच में 1 मैच विकेटलेस भी गए थे। तो यहां पे अगर आप हेड टू हेड देखें तो देखिए बोल्ट के 3 मैच में 4 विकेट है, प्रसिद्ध कृष्णा के 3 मैच में 4 विकेट है, चहल के 5 विकेट है, तो चहल जो है ये गेम चेंजर होंगे। बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो ये देख लीजिए, बेंच स्ट्रेंथ में इनके पास जेम्स नीचम है, नवदीप सैनी है, केसी करियप्पा है और करुण नायर है, तो ये कुछ प्लेयर थे बेंच स्ट्रेंथ में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यहां पे ये भी इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, जिसमें रसिक वंद्योदासन रीसेंट टाइम में प्रैक्टिस करते हुए देखे गए और T20 के बहुत जबरदस्त प्लेयर माने जाते हैं, अगर टीम इनको 3 या 4 पे खिला दे तो ये मस्ट हैव होंगे आपकी टीम में। फिर आते हैं डरेल मिशेल, ओबे मकॉय, तेजस बरोका और इसके बाद आते हैं अरुण सिंह, ध्रुव जोरेल, कुलदीप सैन और शुभम गारवाल, तो इनके स्टैट देख लीजिएगा, सारे प्लेयर्स के स्टैट्स मेंशन है, अगर इनमें से कोई प्लेयर खेल जाता है बाय चांस तो स्टैट आपके पास होनी चाहिए। फिर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो इसमें रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ईशान किशन के साथ, 31 का एवरेज है रोहित शर्मा का, ईशान किशन का 28 का एवरेज है। सूर्य कुमार यादव देखिए इस मैच में खेल सकते हैं, नंबर 3 पे आएंगे, तो इनको भी मैंने टीम में जगह दी है अपनी, अगर मैं आपको आगे टीम दिखाऊंगा तो उसमें आप पाएंगे कि सूर्य कुमार यादव मेरी टीम में हिस्सा है अगर खेलते हैं तो, क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो मेरे हिसाब से खेलना भी चाहिए। रीसेंट फॉर्म T20s में काफी अच्छा है, इंटरनेशनल में भी अभी रीसेंट टाइम में काफी बढ़िया करा और अपोजिशन टीम के खिलाफ 50-50 का रिकॉर्ड है, लास्ट 4 मैचेस में से 2 अच्छे गए 2 खराब गए। फिर आते हैं एन तिलक वर्मा, 29 का इनका एवरेज चलता है, डोमेस्टिक में काफी
बढ़िया करके आ रहे हैं, तो इनको भी आप अपनी टीम में आजमा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नंबर 5 प्लेयर की, जिसमें आते हैं केरन पोलार्ड। केरन पोलार्ड अभी देखिए उतने फिट नहीं है, तो बॉलिंग तो ये नहीं कर रहे, बट बैटिंग में अच्छा कर सकते हैं। हालांकि पिछले 3 मैचेस से टी20 में बैटिंग में भी ये स्ट्रगल करते हुए पाए गए हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी इस मैच में लेने के हिसाब से कम होगी। फिर आते हैं टिम डेविड, जिनको कभी भी बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है। रीसेंट टाइम में ये अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से MI ने इनको अच्छे एक हाई प्राइस में लिया था, और कभी भी इनका यूज टीम कर सकती है। कभी भी ये 3 या 4 पे बैटिंग करने भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर टीम इनको बैटिंग 3 या 4 पे करा दे तो ये बहुत बढ़िया पिक होंगे। हालांकि 3 पे सूर्यकुमार यादव है, तो बहुत से बहुत आप टिम डेविड को 4 पे ही देख पाएंगे। उससे ऊपर तो मुझे लगता नहीं टिम डेविड की बैटिंग पोजीशन बन पाएगी। मे बी पॉसिबल तिलक की जगह कभी अगर टिम डेविड को ट्राई कर ले तो ये बहुत बढ़िया हिट करके आपको ग्रैंड लीग वगैरह जिता सकते हैं, प्लस थोड़ी बहुत टीम इनसे बॉलिंग भी करवा सकती है। फिर आते हैं डेनियल सैम, जो लगभग आपको देखिए 3 से 4 ओवर करते हुए दिखेंगे। और अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो वो हालांकि इनका टी20 में बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। 4 ओवर आप लगभग कंफर्म ही मान के चलिए इनसे, और बैटिंग का चांस थोड़ा सा लो रहेगा, क्योंकि लगभग नंबर 7 के आसपास बैटिंग करने आते हैं। बैटिंग में रिसेंट फॉर्म खराब है, बट ये इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेंगे, इनको आप अपनी टीम में जरूर पिक कीजिए। लेफ्ट आर्म पेसर है और कभी भी आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स में, जिसमें मुरुगन अश्विन आते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं, टिमल मिल्स और बैसिल थम्पी आते हैं। पिछले मैच में थम्पी ने 3 विकेट निकाली और बुमराह विकेटलेस गए, मिल्स ने 1 विकेट निकाली थी। बट इस टीम के सबसे बढ़िया बॉलर जसप्रीत बुमराह और टिमल मिल्स में है, जो डेथ में गेंदबाजी भी करेंगे और मैक्सिमम टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे इन दोनों प्लेयर्स ने खेले हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स को आप पहले टीम में लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए कि सेकंड बॉलिंग में स्पिन को हेल्प मिले तो मुरुगन को ट्राई कर सकते हैं सेकंड बॉलिंग के केस में, बट फर्स्ट बॉलिंग के केस में टिमल जसप्रीत बुमराह मस्ट है, चाहे तो थम्पी को भी ले सकते हैं, बट ये दोनों को पहले प्रेफर कीजिए, भाई आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, जिसमें आप प्लेयर्स देख सकते हैं, एक से एक टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। अगर इनमें से कोई खेल जाता है तो स्टैट बेस पे आप उसको पिक कर सकते हैं। बाकी बेंच स्ट्रेंथ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इनकी MI की बेंच में अवेलेबल है, तो इनको ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्लेयर खेल जाता है बाई चांस तो आपके पास एटलीस्ट स्टैट तो होना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डेथ ओवर्स की। डेथ ओवर्स की बात करें तो बुमराह और मिल्स देखिए MI की तरफ से लगभग प्रॉपर डेथ गेंदबाज है, तो इन्हीं को करनी चाहिए। और राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा को डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गए इन दोनों टीमों के डेथ बोलर्स। इसके बाद हम बात करते हैं टीमों की, तो देखिए मेरी फैन टू प्ले की इस मैच में क्या टीम रहने वाली है। फैन टू प्ले पे आई होप आप IPL के लीडरबोर्ड कॉन्टेस्ट वगैरह खेल रहे होंगे, जो 26 मार्च से 9 अप्रैल तक है। उसके बाद सेकंड लीडरबोर्ड चालू होगा और इस लीडरबोर्ड का टॉप प्राइज है, जिसमें आप वर्ल्ड कप देखने ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं फाइनल का मुकाबला, जिसमें आपके टिकट का खर्चा, फ्लाइट टिकट का खर्चा और होटल का खर्चा सारा फैन टू प्ले बियर करेगी। इसलिए इन कॉन्टेस्ट को आप जरूर खेलते रहिए, क्योंकि अगर आप लीडरबोर्ड में टॉप 3 में आ गए तो आप जाएंगे सीधा ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच देखने। इसके बाद हम बात करते हैं फैन टू प्ले टीम की, तो इसमें मैंने जॉस बटलर, ईशान किशन, संजू सैमसन को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में डेनियल सैम्स को लिया है। बैटिंग में मैंने सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा को उठाया। और इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में मैंने टिमल मिल्स, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, चहल को लिया है। अब देखिए अगर फर्स्ट बॉलिंग MI की होती है तो मे बी ऑप्शन है कि मैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर मैं ट्राई कर लूंगा अपनी टीम में बैसिल थम्पी को, जो कि इस टाइम पे काफी बढ़िया यॉर्कर्स कर रहे हैं और MI की तरफ से बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा था लास्ट मैच में। तो मे बी पॉसिबल मैं उनको फर्स्ट बॉलिंग के केस में जरूर लूंगा, बट सेकंड बॉलिंग के केस में मैं कंफर्म नहीं हूं कि मैं उनको लूंगा या नहीं लूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मेरी ये टीम बनती है। अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। फैन टू प्ले को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन को, रेफर कोड FX लगाना है आपको, वो सब दिया हुआ है, उससे आपको बोनस, फ्री एंट्रीज और सब कुछ मिलेगा, गिव अवेज वगैरह भी। सो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और कॉन्टेस्ट में जरूर पार्ट लीजिएगा। जो मैंने आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, ताकि आप 100 रुपए पेटीएम कैश जीत सके। शुरुआत के 10 लोग जो होंगे, जो भी शुरू में 10 लोग कमेंट करेंगे, उन्हीं को जो है वो आंसर अगर सही होगा तो प्राइज मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या पता आप उन 10 में आ जाएं जिनका आंसर करेक्ट हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।